तो दोस्तों यहाँ पर माता चाहता हूँ कि वीडियो कट हो गई थी इस बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही दानों का कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ ताकि मेरे बर्ड्स इससे लुत्फानंदोज़ हो सकें। कोशिश कीजिएगा इसको रब कीजिए, ठीक है, ताकि तमाम ही दाना बेहतर अंदाज में मिल सके। तो दोस्तों ये मैंने दाना मिक्स कर लिया है, ठीक है, बट ये मेरे बर्ड्स के लिए क्वांटिटी कम है, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत नया दाना ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, इसमें मज़ीद मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया, ठीक है, ना ही कोई नया इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने ही बर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं उतने ही पीछे कहना मैं दो कॉलोनी के अंदर पैरट्स मौजूद हैं, तकरीबन 23-24-20 वहाँ पर एक्स्ट्रा में मौजूद हैं। तो ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो ये ऑयल है, ये विदाउट ऑयल है, ठीक है, ये किस तरह जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी मिक्स कर रहा हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने मुकम्मल बेहतर तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए छोड़ सकते हैं ताकि स्मेल इसकी थोड़ी सी बेहतर कम हो जाएगी, और सेकंड ये कि दाना अच्छी तरीके से इसको सोख लेगा। ठीक है, और जिस तरह ये मेरे पास देखें वेस्ट मटेरियल मौजूद है जो कि तकरीबन डेढ़ दिन का है, ठीक है, यानी कि हर एक दिन बाद, एक से दो दिन बाद मुझे दाना चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स की बीट, कुछ बर्ड्स का बुरादा, ठीक है, जो दाना के सीड्स का होता है, जो अक्सर कहने में फ्लाइज उनके अंदर इग्लैंड भी कर जाती है, आपने जिसको रेशम का कीड़ा, ठीक है, हम कह लेते हैं उसे, ठीक है, तो इस तरह की गंदगी आ जाती है जिसकी वजह से बर्ड्स सीड्स खाना थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेश दाना होगा तो डेली बेस पर फ्रेश बर्ड्स जब सीड्स खाएगा तो उसकी बेहतर ग्रोथ होगी, यानी कि बर्ड एक्टिविटी में भी अच्छा होगा और अपने दाने को और प्रॉपर गिज़ा को इसी तरीके से खाएगा तो डिजीज़ के प्रॉब्लम इश्यूज जो है बहुत से बहुत कम होते चले जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे ना डालिएगा आप अपने, ठीक है, मैं एक नॉर्मल क्वांटिटी में डालूंगा ताकि बर्ड्स इसको अच्छी तरीके से फीड कर लें। मैं इसको ख्याल करूंगा क्योंकि इससे मुझे कल भी सीरियस बाइट किया है इसमें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ और बिटर है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे खदशात होते हैं जो लोग या जो दोस्त अहबाब अगर फिश ऑयल फर्स्ट टाइम यूज़ करा रहे होंगे, जिस तरह के खदशे मुझे थे कि आया बर्ड्स इसको फीड करेगा, और फीड कराने के बाद जैसे अक्सर बर्ड्स की आदत होती है कि वो अपनी फीमेल को या दाना खाते ही वो पानी की तरफ लपकते हैं, यानी कि आधा दाना पानी में डिबो कर खाते हैं और आधा दाना वैसे ही खाते हैं। तो ऐसे में जब फिश ऑयल, ठीक है, जिसके अंदर मैं सोचता हूँ कि ब्लड भी उसका होता होगा रेशो, तो ऐसे में बर्ड्स अपने फेदर लूज़ करेगा या नहीं। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर यूज़ कराया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे अब तक किसी भी बर्ड्स में, सिवाय एक फ़ीमेल के जो कि बराबर वाली फ़ीमेल से बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसको आप कह लें कि चिढ़ती है, ठीक है, सेल्फलेस होने के बाद, सेल्फिश होने के बाद जालियां तोड़ना, ठीक है, एग्रेसिव मूड पे होना, तो इस वाइस उसकी मोल्टिंग अभी तक चल रही है, लेकिन फीमेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, यानी कि पूरा गंजपन आ जाना ये वो कोई चीज़ नहीं देखने में आई। तो इसलिए मैं इस बार भी फ़िश ऑयल यूज़ करने में हिचकिचा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे कैस बर्ड्स, ठीक है, काशिफ भाई ने दिए है, ठीक है, यूज़ कराने के लिए, तो हम उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फ़िश ऑयल हरगिज़ ब्रीड के तौर पे या ब्रीड लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड्स को गर्माइश देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़े गर्म रहेंगे तो जिस बिना पर ये ग़िज़ा बेहतर तरीके से फीड करेंगे, ठीक है, तो मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है, हमारा बर्ड सुस्त नहीं रहेगा और ना ही हमारे बर्ड की कोई हेल्थ को नुकसान होगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से फटाफट ये डाल लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ क्या बर्ड्स तमाम फीड कर रहे हैं या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने अभी तमाम ही बर्ड्स को, ये जो हमने
दाना बनाया था ठीक है, जो कि तकरीबन 3.5 किलो 3 किलो के आसपास था ठीक है, जो कि हमारे एक साइड के सेटअप के लिए यूज़ होता है ठीक है। वो मैंने बनाया था और मैंने वो अपने बर्ड्स को डाल दिए। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही पैराकीट्स अपने इस सीड्स को, इस दाने को इंजॉय कर रहे हैं ठीक है, ख़ुराक को बेहतर तरीके से खा रहे हैं ठीक है। वैसे तो ये अपनी मनपसंद चीज़ पहले इस ग़िज़ा में से चुन लेंगे और उसके बाद ही तमाम ग़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर फीड करेंगे ठीक है। अब मैंने जो आज दाना डाला है, इसी दाने के अंदर मैं कल नहीं दोबारा ख़ुराक को ऐड करूँगा ठीक है, ठीक इसी वक्त, जिस तरह अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं या 12:30 का टाइम हो रहा है ठीक है। तो इसी दौरान मैं कल इन बर्ड्स को दोबारा से यही दाना इनको डालूँगा। चाहूँ तो मैं इसी दाने को कंटिन्यू कर सकता हूँ ठीक है, चाहूँ तो इतने ही इस दाने को मैं बनाकर रख भी सकता हूँ, लेकिन इस दफ़ा काशिफ भाई ने कहा कि आप डेली बेसिस पर बनाकर आप डाल सकते हैं ठीक है, वरना मैंने सिर्फ एक दफ़ा मैंने बनाया, जिस तरह दाना जब मिक्स करता हूँ तो उस वक्त एक क्वांटिटी में ऐड किया और ऐड करने के बाद उसे तकरीबन 2 वीक्स, क्योंकि मैं इतना दाना बनाता हूँ जो मेरा तकरीबन 2 वीक्स के अंदर यानी कि 10 से 14 दिन के अंदर तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक दफ़ा की मिक्सिंग विद ऑयल आराम से 10 डेज तक चलेगा विदाउट एनी रिएक्शन ठीक है। ये आप खिलाना चाहें, यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आपको किसी चीज़ के बेनिफिट की लालच नहीं दे रहा ठीक है, सिर्फ उसी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर ये बर्ड्स को गर्माइश के तौर पर दे रहा हूँ, ना कि ब्रीड के ऊपर उकसाने के लिए या हीट पर लाने के लिए नहीं यूज़ कर रहा ठीक है, क्योंकि मेरा केज बहुत शेड बड़ा है और अक्सर औकात दोस्त साथ नहीं होता, तो इस बार पूरे केज को या काम के सिलसिले में लेट आने की बाइस मैं अपने बर्ड्स को या केज को अब प्रॉपर तरीके से ढक नहीं सकता, तो इस बाइस मैंने इसको यूज़ किया है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने क्या इस्तेमाल किया वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, जिसमें देसी घी शामिल था ठीक है, फिश ऑयल डायरेक्टली वाला जो कि हम तलते हैं वो था, और थर्ड उसमें चीज़ थी वो था झींगा पाउडर जो कि मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 वीक टू 2 वीक यूज़ किया, उसके बाद मुझे कोई बेहतर यानी कि साइड पर अपने बर्ड्स को जाते हुए नहीं दिख रहा था तो मैंने उसको रोक दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को यूज़ करने के बाद मेरे कुछ ऐसे पेयर थे जो कि फर्स्ट टाइम ब्रीड ले कर थे, और कुछ ऐसे पेयर थे जो तकरीबन 3 ईयर से सिर्फ और सिर्फ क्रॉस कर रहे थे और एक लाइन नहीं कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन पेयर से भी ब्रीड की मुझे। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे उस फॉर्मूले को या उस मटेरियल को यूज़ करने के बाद पेयर मेरा ब्रीड पर आया, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे नज़दीक ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कल आप लोग बतंगड़ बनाकर मेरे पीछे शुरू हो जाएं, जिस तरह मेरे रोटी के यूज़ कराने पर वावेला मचा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यानी कि लिया गया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम ही पैरट्स और बर्ड्स भीगी हुई रोटी, केक जो कि अभी इस प्रीवियस ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा ब्रेड रोटी और यानी कि इवन उसमें अगर पराठा भी डाल दूँ तो वो भी मैंने यूज़ किया है ठीक है, भीगा हुआ बिल्कुल ठीक है, तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वही तमाम ही पैराकीट्स मेरे पास मौजूद हैं और खड़े हैं, किसी भी एक बर्ड्स को ना डिजीज़ प्रॉब्लम आया, ना ही उनकी डेथ हुई उस वजह से, और ना ही अब तक कोई रिड्यूस हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक मेल मेरा इस साल यानी कि डेड हुआ, क्या नाम है, फ़ीमेल के एग्रेसिव ऑन होने की वजह से, जिसमें फ़ीमेल हिट करती है मेल को चाहे वो कितना ही पुराना पेयर बॉन्डेड क्यों ना हो ठीक है, फीमेल जब दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो अपने मेल को साथ ही मारती है, इसी तरह मेल भी मार सकता है फीमेल को ठीक है, ऐसा अक्सर देखा गया, अक्सर मेल इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंट हिट नहीं करते, तो ठीक है दोस्तों माज़रत चाहता हूँ वीडियो तवील हो गई है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास बराबर में जो हमने अपना छोटा सा स्टॉक तैयार करा है वो क्या है ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर अभी थोड़ी सी गंदगी मौजूद है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्लम हेड पैराकीट्स के 2 पेयर्स मौजूद हैं, जिसकी माशाल्लाह दोनों ही फीमेल अपनी हांडी में आना जाना उनका पूरा ईयर लगा हुआ है ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टॉक किए हुए रिंगनेक ठीक है, जिसमें मैं दिखा देता हूँ मेरे पास तमाम ही मदर फीड वाले यानी कि बेबीज़ मौजूद हैं, जिनको मैंने रोक रखा है, अगर मैं सेटअप वाइंड अप करता हूँ
तो मैं इन पेयर्स को दोबारा से जनरेट करूँगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्ट्रोक, जिसमें एक ये पैरेट है जो कि बेबी था, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है। देखें बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। ये हमारा टॉकिंग मेल जिसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हैंडटेन है, ताकि यहाँ पर दूसरों का भी मूड लगा रहे। तो ये तो बिल्कुल घर के पट्टे हैं, तो ये तो नहीं डरते। ये जो कि मेरे पास बाहर से लाए हुए दो मेल थे, वो तकरीबन छः मेलों में से सिर्फ और सिर्फ दो मेल मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बकाया सेल कर दिए हैं। तो वो दोनों ही मेल जाली से चिपके रहते हैं अक्सर हल्की फुल्की सी आहट से भी, ठीक है। अलबत्ता माशाल्लाह तमाम ही बर्ड्स का साइज़ अच्छा है, कलर बेहतरीन है, और इसमें कुछ एक मेल की अंदर दो म्यूटेशन थी जो कि पाइड है उनमें, जिनके येलो फैदर है। बाहर नहीं आओ, ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, जोड़ते हुए मोबाइल पे बैठ रहे हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बाहर आने के लिए लपकता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली है ये। तो ये था हमारा छोटा सा स्ट्रोक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह ने कहा कि आने वाले वक्त में भी मामला बेहतर रहते हैं, हम कंटिन्यू रखते हैं, तो इंशाल्लाह इनकी भी ब्रीड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह नेकेबान।